चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित राजिंद्रा पार्क में आम के बाग में मिले बम को जल्द डिफ्यूज कर दिया जाएगा। और ये जिंदा बम सोमवार दोपहर को मिला था, जिसके बाद आर्मी की टीम बुलाई गई है और आर्मी टीम थोड़ी देर में इस पार्क में ही इसे डिफ्यूज करेगी। और आर्मी की चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड के 2 कर्नल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जहां बम मिला है उसके आसपास ही पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का सरकारी आवास है और ये पूरा इलाका वीवीआईपी है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित राजिंद्रा पार्क में आम के बाग में मिले बम को जल्द डिफ्यूज कर दिया जाएगा। ये जिंदा बम सोमवार दोपहर को मिला था, जिसके बाद आर्मी की टीम बुलाई गई है। आर्मी टीम थोड़ी देर में इसे पार्क में ही डिफ्यूज करेगी। आर्मी की चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड के 2 कर्नल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जहां बम मिला है उसके आसपास पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का सरकारी आवास है, वहीं ये पूरा इलाका वीवीआईपी है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद इस बम को डिफ्यूज कर दिया जाएगा और इसे इसी पार्क में डिफ्यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इसी पार्क के आसपास पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का सरकारी आवास है और ये पूरा इलाका आपको बता दें वीवीआईपी है। और चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित राजिंद्रा पार्क में आम के बाग में मिले बम को जल्द डिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसके लिए लगातार काम चल रहा है और जल्द ही जो है ये डिफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जिंदा बम सोमवार दोपहर को मिला था, जिसके बाद जो है आर्मी की टीम बुलाई गई और आर्मी की टीम अब से कुछ ही देर बाद इस बम को डिफ्यूज कर देगी। लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इसे डिफ्यूज करने का काम लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर बाद इसे डिफ्यूज कर दिया जाएगा। और इस जिंदा बम को डिफ्यूज करने के लिए काफी सावधानियां जो है आर्मी द्वारा बरती जा रही हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर लें, जो ये बम मिला है कब तक ये डिफ्यूज हो सकता है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। कहीं ना कहीं बॉम को अभी फाइनल स्टेजेस पे डिफ्यूज करना है। आर्मी स्लैम हुआ है, लग रहा है कि पहले लग रहा था यहीं पे डिफ्यूज किया जाएगा, पर आप देख सकते हैं जीप को लेके आए गए और वहीं पर ही जहाँ पे अभी आप जीप देख सकते हैं वहीं पर ही बम को रखा गया। बम को पहले आप सामने एक जहाँ पे आप रेतों के बैग देख सकते हैं वहां से बम को पहले की रोबोट से करके वहां तक लेके जाया गया। आप देख सकते हैं कि आर्मी के सीनियर अधिकारी और अब जो वहाँ पे बम पड़ा उसको लेकर आगे कहीं ना कहीं उसको मूव करने का डिसीजन ले रही। तो वही दूसरे तरफ देखिए बम सूट पहनकर एक बम एक्सपर्ट भी वहीं पर जा रहे हैं और शायद और वो अब बॉम्ब के पास बिल्कुल खड़े हैं। तो ये लाइव तस्वीर अब आपने दिखा रहे हैं और यहाँ पे मूवमेंट कहीं ना कहीं तेज होती है नजर आ रही है और ये चीज कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि बॉम्ब को शायद जल्दी ही डिफ्यूज या फिर यहाँ से मूव करने का फैसला लिया जा सकता है। जी अमित, वहीं अगर बात कर ली जाए, सोमवार दोपहर से ये बम मिला है लेकिन अभी तक ये डिफ्यूज नहीं हुआ, इतनी देरी क्यों हो रही है इस बम को डिफ्यूज करने में? हाँ देखिए, बहुत कुछ कंसिडर किया जाता है जब बम को डिफ्यूज करना होता है। देखिए, पहला पहलू है कि बम किस लेवल का है, आईडी है, एक प्री प्लांट बॉम्ब है, मिसफायर शेल है, क्या उन सब चीजों को कंसिडर करना होता है। 2 बजे के करीब हम कह सकते हैं कि पुलिस को जानकारी मिली थी और तुरंत एक्शन में आते हैं। 2:30 से 3 बजे के बीच में पुलिस यहाँ पहुंची, उन्होंने पूरे एरिया को कोट ऑफ किया और उसके बाद अपने बॉम्ब एक्सपर्ट बुलाए। जब वो आए उन्होंने स्पष्टीकरण किया, उसके बाद इंटीमेशन दिया गया, पर तब तक 5:30 अंधेरा काफी हद तक हो गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं आर्मी को बुलाया गया था, इंटीमेशन दे दी गई थी। आर्मी ने अंधेरा और पहलू लिखते कल यानी आ जाने का फैसला लिया था और आज सुबह से ही जब हम कह सकते हैं आर्मी यहाँ पे मौजूद है और तब से कार्रवाई कर रही है। और अब आप देख सकते हैं कि लगभग 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, आर्मी बम को डिफ्यूज करने में लगे और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक एक्सपर्ट यहाँ पे खड़ा है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे बम को डिफ्यूज इजरी करेंगे या फिर प्रूव करेंगे। पर जिस हिसाब से लग रहा है कि शायद बम को यहाँ से प्रूव करने को ही ज्यादा सेफ समझा जा रहा है। जी अमित, जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे एक्सपर्ट होने की बात कही है, यहाँ पे बॉम्ब एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में बॉम्ब जो बॉम्ब एक्सपर्ट है उसके तरफ से क्या क्या जानकारी जो है दी गई है?
बॉम्ब एक्सपर्ट आर्मी की तरफ से यहाँ पे आए हैं बॉम्ब सूट में, और वो किसी से बात नहीं करे, पर जिस तरीके काम अरे वो पहले उन्होंने बॉम्ब को शिफ्ट कराया गया, पहले वो बॉम्ब काफी आगे बढ़ा था, सड़क के नजदीक पड़ा था, उन्हें पीछे शिफ्ट किया गया था, और बॉम्ब को काफी पीछे शिफ्ट करने के बाद काफी ज्यादा जो आर्मी के सीनियर पर्सनल थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया, और जैसा अब लग रहा है कि डिस्कशन में ये फैसला लिया गया है, जैसे कि पीछे सिनेरियो नजर आ रहा है कि शायद बॉम्ब को यहाँ से मूव किया जाएगा, कि बॉम्ब को यहाँ पे ना रखकर बॉम्ब को यहाँ से कहीं और लेके जाया जाएगा, वहां पे डिफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि रिहायशी एरिया बहुत नजदीक है, लोगों का घर बहुत नजदीक है, सड़क बहुत नजदीक है, और मूवमेंट रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कहीं ना कहीं अब जैसा लग रहा है कि बॉम्ब को शायद जल्दी ही मूव किया जा सकता है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभी ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे कुछ ही देर बाद जो है स्थिति क्लियर हो पाएगी कि बॉम्ब कब तक रिफ्यूज हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनबी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें एनबी न्यूज सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है।